हेलो दोस्तों, मैं संजीव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल स्टॉक विचार में। आशा करता हूँ दोस्तों आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ कि जो आपकी गूगल शीट है, पूरी गूगल शीट है, उसमें एवरेज निकालना हो तो वॉल्यूम का एवरेज कैसे निकालेंगे। दोस्तों ये हमारी पिछली शीट है दोस्तों, जिसमें हमने आपको 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 200 दिन सिंपल मूविंग एवरेज निकालने का फार्मूला बताया था। आज हम वॉल्यूम वॉल्यूम का एवरेज निकालने का फार्मूला देखेंगे दोस्तों। तो वॉल्यूम है, उसके साथ में हमने एक और लाइन ऐड कर लिया दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, 3 डे एवरेज वॉल्यूम, AVG और VOL। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि मैं एक दूसरी शीट पे चलते हैं, क्योंकि इसमें बार बार रिफ्रेश होता रहता है तो दोस्तों इस काफ़ी टाइम लग जाता है, स्लो हो जाती है शीट। तो मैंने एक सिंपल सी दूसरी शीट है वो ली है दोस्तों। उसमें ये SBI है, इसका SBI लिया है। ठीक है, ये दोस्तों जो फार्मूला है ये देखने के लिए कैसे होता है आप दोस्तों पिछले वीडियो देखिए। तो अभी हम सिंपल 3 दिन की मूविंग एवरेज निकालने का फार्मूला देखेंगे दोस्तों। ये सिंपल जो हमारी है गूगल शीट में, ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम निकालते हैं दोस्तों। ये सिर्फ SBI का डाटा है, तो इसमें हम पिछले 3 दिन को ऐड करेंगे और 3 दिन और 3 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा मूविंग एवरेज निकल जाता है। इसको सिंपल, अगर हमारे पास ये डाटा है वॉल्यूम 5, 6, 7 दिन या जितने दिन का है, तो उसका एवरेज निकालने के लिए हम इक्वल टू एवरेज, जो भी हमारे 3 दिन की निकालनी है तो W2, W5, ये हमारी 4 दिन की निकली हुई है, तो ये 4 दिन की एवरेज निकालने का फार्मूला हो गया दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल हमने फार्मूला है वो, जो ये फार्मूला है ये पूरी सीट पे तो अप्लाई हो नहीं सकता दोस्तों, इसके लिए हमने अलग अलग पेज बनाने पड़ेंगे। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है दोस्तों हमारे पास, कि हमने एंटायर सीट के लिए एक फार्मूला है हमारे पास जिसका हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम फार्मूला देखते हैं दोस्तों। ये फार्मूला है दोस्तों, ये यहाँ पे 3 दिन का एवरेज लिखा हुआ है, लेकिन ये 4 दिन का है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे दोस्तों। और मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है। इक्वल टू का निशान, एरी फार्मूला, ब्रैकेट शुरू, एवरेज, ये फार्मूला है दोस्तों। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे वीडियो चालू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि 4 दिन का फार्मूला है, एवरेज निकालने का फार्मूला लिखा हुआ है। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने 4 दिन की निकालनी है, 4 दिन का निकालिए, 5 दिन की, 6 दिन की, 10 दिन की, आप अपने हिसाब से जैसे जैसे आप स्ट्रेटेजी यूज करते हैं उस हिसाब से कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे 3 दिन के लिए ये करेंगे, तो इसको 5 की जगह 4 कर लेंगे हम दोस्तों। ठीक है, ये हमारा 3 दिन का निकल जाएगा। आपने अगर 4 दिन का निकालना है तो यहाँ पे 5 कर लीजिए, मतलब 6 दिन का निकालना है तो उस हिसाब से एक एक बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, मैंने ये 3 दिन का निकाला तो ये यहाँ पे 4 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद एंटर कर दिया दोस्तों। सिर्फ आपने उस 4 की जगह ही बदलनी है वैल्यू। ठीक है, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है वो ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, ये हमारे 4 दिन की थी, W2, 3, 4 और 5। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको 5 को कर लेंगे 4 और एंटर। ठीक है, 21, 23, 42, 33, 21, 23, 42, 33। ठीक है दोस्तों, और एक सिंपल 1 दिन का और करके देख लेंगे दोस्तों। इसको 4 को जगह 5 कर लेंगे और एंटर। ठीक है, और यहाँ पे भी हम 1 दिन बढ़ा के देख लेंगे, ये हमारा 4 दिन का निकलाएगा, ये 5 किया और एंटर। 196, 504, 51, 196, 504, 51। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फार्मूला एकदम बढ़िया है, अभी काम कर रहा है। ठीक है, और इसको वापस हम 5 को कर देते हैं 4, ये हमारी ठीक है मूविंग एवरेज निकल गई दोस्तों। एक बात और कहना चाहूँगा, फार्मूला जब भी आप शीट पे काम करें, सुबह खोलें तो अपने फार्मूले जरूर चेक कर लें,
ये फार्मूले हैं, ये बीच में कभी भी गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप गूगल शीट खोलें तो एक बार, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ करके और साइड में ही ये अपना वो बना रखा है, ठीक है, तो आप फार्मूले ज़रूर चेक कर लें, चाहे वो मूविंग एवरेज के लिए हो, चाहे कोई भी हो, गूगल शीट में फार्मूले हमेशा पहले चेक कर लें, पहले कोई भी काम करने से पहले, ठीक है। अब हम अपनी जो शीट है उसी पे चलते हैं और इसको, जो फार्मूला है इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको दोस्तों एक बार सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और उसके बाद कॉपी कर लेते हैं और हम स्क्रीनर पे गए, ये हमारा है, यहाँ पे हमने उठा के पेस्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा था रिलायंस कैपिटल, RELCAPITL, ठीक है। तब तक हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है जी। और एक बार हम इसकी 3 दिन की एवरेज है ये, यहाँ से चेक कर लेते हैं दोस्तों, फार्मूले से नहीं, यहाँ से चेक करके, ठीक है, यहाँ से चेक करनी है। ये दोस्तों यहाँ पे ये SBI का ही A2, ठीक है, ये हमारा 3 दिन की एवरेज आ गई है। और एक बार इसको देख लेते हैं, यहाँ पे 3 की जगह 4 कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, 11, बारह, ये पिछले कई डाटा मिस है दोस्तों, इसमें कोई ना कोई, यहाँ पे ये 12 12 3 दिखा रहा है, उसके बाद 6 7 8 11 5, ठीक है, ये कुछ इसमें फार्मूले में यहाँ पे गड़बड़ आ रही है कुछ है दोस्तों, ठीक है। इसको 7 की जगह एक बार हम चेक कर लेते हैं और ये कुछ यहाँ पे फार्मूले में गड़बड़ आ रही है दोस्तों, ठीक है। और तो हम इसको एक बार दोबारा, एक दो, यहाँ पे टुडे 4 दिन का देख लेते हैं एक बार, इसका ये 3 दिन का हो गया, 12 तारीख का, 11 तारीख का, 8 तारीख का, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूले हैं, बीच बीच में कभी गड़बड़ कर देते हैं, SBI में ठीक दिखा रहा था, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। ये तो इसलिए ये डेट और डेट वगैरह चेक करते रहें, ठीक है। आज 13 तारीख है दोस्तों, तो इसमें पहले दिन का 12 11 और उससे पहले सैटरडे संडे था, तो 8 तारीख का दिखा रहा है। ये एवरेज वॉल्यूम इतनी आ गई है दोस्तों, तो हम एक बार यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, ये एवरेज वॉल्यूम ठीक निकली हुई है। अब हम स्क्रीनर पर चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर देते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। ये हम उसके बाद हम क्या है कि वॉल्यूम परसेंट निकाल लेंगे, वॉल्यूम परसेंट जितनी अभी तक की वॉल्यूम है उसकी बटे में 3 दिन की जो एवरेज वॉल्यूम है बटे में वो, और उसका परसेंटेज निकाल देंगे। ये 15% 12 दिखा रही है दोस्तों, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम बढ़ेगी या घटेगी वो, तो उस हिसाब से हमारा जो प्राइस है वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये हमने परसेंटेज निकाली है और इसको भी क्लिक कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि दोस्तों हम यहाँ पे फिल्टर लगा के और अपना वॉल्यूम है उसको भी, जो भी वॉल्यूम शॉकर है या वॉल्यूम गेनर है, उस हिसाब से हम अपना प्राइस देख सकते हैं दोस्तों। तो आप इस तरह से अपना स्क्रीनर बनाइए, आगे आने वाले वीडियो हैं उनमें भी मैं आपको और क्या क्या ऐड करना है वो बताऊंगा दोस्तों। आशा करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आने वाले वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों आपको, धन्यवाद दोस्तों।